गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा पाँचवीं विषय हिंदी व्याकरण पार्ट नंबर सिक्स विशेषण, पार्ट नंबर सिक्स विशेषण जो हिंदी व्याकरण का लेसन है। कल हमने एक लेसन रीड किया था, आज हम इस लेसन के क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर पर्सन उत्तर। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर आपने अपनी फेयर नोटबुक के ऊपर राइट कर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोई पांच विशेषण शब्द बताएंगे। विशेषण शब्द क्या होते हैं, जो संख्या और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, वो क्या होते हैं विशेषण शब्द। उत्तर फर्स्ट है लाल, पीला, लंबा, छोटा और लंबा। ये क्या है, जो संख्या और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जैसे आम मीठा है तो आम की विशेषता क्या होगी, आम मीठा। क्या कैसा है आम, मीठा। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, कोई तीन गुणवाचक विशेषण शब्द बताइए। वो हमें सिर्फ गुणवाचक बताने हैं, इसके विशेषण के कितने भेद होते हैं, चार होते हैं। ठीक है, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामी। ठीक है, अब हमें गुणवाचक के विशेषण के शब्द बताने हैं, आंसर सुंदर, कमजोर, युवा। सुंदर, कमजोर, युवा, ये क्या है गुणवाचक विशेषण के शब्द। अब हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, सार्वनामिक विशेषण को और क्या कहा जाता है, जो सार्वनामिक विशेषण होता है वो उसको और क्या कहा जाता है। आंसर सार्वनामिक विशेषण को सांकेतिक विशेषण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सांकेतिक विशेषण भी कहा जाता है। किसको, सार्वनामिक विशेषण को। ये हमारे थ्री क्वेश्चन आंसर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये आपने अपनी फेयर नोटबुक के अंदर राइट कर। ठीक है, उसके बाद करेंगे हम पुस्तक अभ्यास, जो हमारी बुक एक्सरसाइज दी गई है उसके बाद वो करेंगे। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट दिए गए हैं। फर्स्ट पार्ट है विशेषण किसे कहते हैं, जो विशेषण होता है किसे कहते हैं। ठीक है, जो शब्दांश संख्या या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जो शब्द संख्या या सर्वनाम के जो शब्द होते हैं उनकी विशेषता बताते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जैसे 2 लीटर दूध चाहिए, कितना दूध चाहिए हमें, 2 लीटर। यह काला रंग है, क्या कैसा रंग है, ये सुंदर है, कैसा रंग है, काला। इसकी क्या विशेषता बताएंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड, विशेष्य किसे कहते हैं, विशेष्य क्या होता है। जी आंसर, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। क्या होता है, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। जैसे लाल गुलाब, लाल गुलाब, गुलाब की विशेषता बताई गई है, तो इसमें विशेष्य क्या है, गुलाब है, और विशेषण क्या है, लाल, इसकी विशेषता बताई गई। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर थर्ड, विशेषण के कितने भेद हैं और कौन कौन से हैं, जो विशेषण है उसके कितने भेद हैं और कौन कौन से हैं। आंसर विशेषण के चार भेद हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामी। कौन कौन से हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामी। अब है हमारा, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें बुक के अंदर भी राइट करना है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्न प्रश्नों के उचित उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। जो हमारा आंसर राइट होगा उसी पर हमें क्या करना है, राइट का चिन्ह लगाना। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लंबी रस्सी किसके पास है, वाक्य में क्या विशेषण है। लंबी रस्सी किसके पास है, और इसके अंदर पूछा गया है कि इसमें विशेषण क्या है, लंबी क्या है इसमें?
बच्चे को यहाँ बुलाइए, वाक्य में विशेष्य क्या है? पांचवें, बच्चे को यहाँ बुलाइए, इसमें विशेष्य क्या है? इसमें विशेष्य है बच्चे। बच्चे क्या है इसमें? विशेष्य। जो सेकंड का आंसर होगा हमारा बच्चे, इसके ऊपर आपने क्या करना है? टिक मार करना है, ठीक का निशान लगाना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, यह खेल किसका है? वाक्य में रंगीन शब्द है यह, जो यह है वो क्या है? सार्वनामिक शब्द। क्या है वो? सार्वनामिक शब्द। उसके बाद नेक्स्ट है, गीत के लिए उचित विशेषण क्या है? गीत के लिए उचित विशेषण मधुर है, मधुर गीत, ठीक है। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित वाक्यों में अब है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित वाक्यों में विशेष्य शब्द को रेखांकित कीजिए, विशेषण शब्द तथा उसके भेद लिखिए। हमें क्या करना है? जो शब्द विशेषण है उसको रेखांकित करना है और विशेष्य शब्द को, विशेषण शब्द तथा उसका क्या बताना है? हमें भेद बताना है कि इसके अंदर कौन सा विशेषण है। फर्स्ट है हमारा, आज सफेद कोट पहन लो, तो इसमें सबसे पहले हमें विशेष्य शब्द को रेखांकित करना है। विशेष्य शब्द है कोट, कोट के नीचे क्या करेंगे? अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद बताना हमें विशेषण, विशेषण क्या है इसके अंदर? सफेद। और कौन सा भेद है ये? गुणवाचक विशेषण। कौन सा है? गुणवाचक विशेषण, ठीक है। अब है सेकंड, मैं तो एक दर्जन केले लूंगा, इसमें विशेष्य क्या है? केले, केले के नीचे अंडरलाइन करनी है। विशेषण है एक दर्जन और भेद है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। कौन सा भेद है सेकंड में? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। उसके बाद थर्ड, मेरे लिए थोड़ा पानी लेते आना, क्या लेते आना मेरे लिए? थोड़ा पानी। सबसे पहले हम क्या करेंगे? पानी के नीचे अंडरलाइन करेंगे, फिर हम बताएंगे इसमें विशेषण क्या है, थोड़ा, और भेद कौन सा है इसमें? परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, यह काम किसने किया है? यह काम किसने किया है? सबसे पहले काम के नीचे अंडरलाइन करेंगे, फिर यह विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। कौन सा है ये? सार्वनामिक विशेषण। उसके बाद नेक्स्ट है, छोटे बच्चे आए तो सही लेकिन रुके नहीं। छोटे बच्चे आए तो सही लेकिन रुके नहीं, ठीक है। इसमें क्या है? बच्चे क्या है? विशेष्य। और जो छोटे क्या है? विशेषण। और भेद कौन सा है इसमें? गुणवाचक विशेषण, ठीक है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर फोर, निम्नलिखित विशेषणों के लिए उचित विशेष्य तथा विशेष्यों के लिए उचित विशेषण लिखिए। विशेषण के लिए उचित विशेष्य और विशेष्यों के लिए उचित विशेषण। आंसर, खट्टा आम, नेक्स्ट गरम चाय, कठिन कार्य, तेज हवा, मीठा रसगुल्ला, नया टेलीविजन, सफेद पर्दा, पुराना कैलेंडर, ठीक है। एक बार अगेन से रिपीट करेंगे इसको, खट्टा आम, गरम चाय, कठिन कार्य, तेज हवा, मीठा रसगुल्ला, नया टेलीविजन, सफेद पर्दा, पुराना कैलेंडर, ठीक है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव, उचित विशेषण चुनकर रिक्त स्थान भरिए, ठीक है। फर्स्ट है, चीनी
ये सर्वनाम है या सार्वनामिक विशेषण है। फर्स्ट है, वह स्वस्थ है, ये क्या है? सार्वनामिक विशेषण। सेकंड है, यह लड़की शर्मीली है, यह क्या है इसमें? सर्वनाम। नेक्स्ट, इस पेड़ से आम मत तोड़ना, ये क्या है? सर्वनाम। नेक्स्ट है, वह किसकी पुस्तक है, ये क्या है? वह सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। दिए गए चित्र का वर्णन इस प्रकार कीजिए कि प्रत्येक वाक्य में कम से कम एक विशेषण जरूर आए। विशेषण शब्द को रेखांकित भी कीजिए। हमारी बुक के अंदर चित्र दिया गया है, इसके इसी चित्र के ऊपर हमें चार वाक्य लिखने हैं और जिनमें एक विशेषण जरूर दिया गया है। फर्स्ट है, चित्र में बहुत अच्छी पार्टी चल रही है, तो इसमें विशेषण क्या है? अच्छी। जोर जोर से गाना बज रहा है, जोर जोर से क्या है? विशेषण। इनके नीचे क्या करनी है हमें? अंडरलाइन करनी है। नंबर 3, कुछ बच्चे नाच रहे हैं, कुछ विशेषण। नंबर 4, कुछ बच्चे खाना खा रहे हैं, कुछ बच्चे क्या है? विशेषण है। ये था हमारा आज का लेसन के क्वेश्चन आंसर और बुक एक्सरसाइज। जो क्वेश्चन आंसर राइट करवाए थे वो आपने नोटबुक के अंदर राइट करने हैं।